हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय स्टडी चैनल वन्ना स्टडी पॉइंट। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे टॉपिक अपना यूकेपीएससी का मैथमेटिक्स का। ये है पेपर 7 जनरल एप्टीट्यूड एंड एथिक्स से। तो लास्ट के लेक्चर में हमने देखा था कि टाइम एंड वर्क के हमने क्वेश्चन कुछ किए थे उसमें, और आज के ही भी इस लेक्चर में हम टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड देन आफ्टर दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अनदर टॉपिक ऑफ यूकेपीएससी मैथमेटिक्स। तो आज का ये लेक्चर है टाइम एंड वर्क से है, तो इसके बाद ये वाला टॉपिक है जो फिनिश अप हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग आपसे के कोई क्वेरीज होती हैं देन यू कैन आस्क विद मी। और आज ये इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि आज हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो किससे है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग लिया है मैंने फ्रॉम अवर लास्ट लेक्चर से, तो लास्ट लेक्चर से थोड़ा सा अलग है ये। इसे आप देखिएगा, ए और बी मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। ओके, ए और बी यहाँ पे कर रहे हैं कोई काम 20 दिन में। बी और सी यही काम 30 दिन में पूरा करते हैं। ए और सी मिलकर 40 दिनों में पूरा करते हैं। यहाँ पे तीन व्यक्ति हैं, तीनों ही काम को कर रहे हैं। यह काम अकेले, पूछा क्या है हमसे क्वेश्चन में कि यह काम अकेले ए को पूरा करने में लगे दिनों की संख्या का सही, यही काम अकेले बी को, अकेले सी को पूरा करने में लगे दिनों की संख्या का क्रमशः अनुपात क्या है। अब देखिए इसमें मैथमेटिक्स में अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फ्रॉम एनी ऑफ द टॉपिक, ओके, देन सबसे पहले आपको ये चीज़ करनी है कि क्वेश्चन है हमारा किस पर्टिकुलर, किस सिलेबस के किस टॉपिक, किस चैप्टर से है। आपको पता लग जाता है ये चीज़, देन आपको क्या करना है उसमें पढ़ लेना है अच्छे से कि क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन में मेंशन है और क्या चीज़ आपको फाइंड करनी है। देन आप उसे स्टार्ट करिए अपना क्वेश्चन वहाँ से। अब आप देख रहे होंगे लोअर पीसीएस का भी हमने एग्जामिनेशन देखा था, इजी नहीं था पेपर, ठीक ठाक था अपना, उसका एक अच्छा खासा लेवल था और कुछ क्वेश्चन उसमें अच्छे भी थे तो थोड़े से कुछ ट्रिकी टाइप के भी थे। तो अब ऐसा मत सोचिए कि पीसीएस का जो पेपर है उसका भी, अब बहुत टाइम बाद हुआ है, 2022 में होने जा रहा है, तो डेफिनेटली जो इस बार भी पीसीएस के जो पेपर होंगे वो इजी तो नहीं आएंगे, मॉडरेट लेवल के हो सकते हैं। इसलिए अपनी एक जो स्टडी है, अपनी जो एक तैयारी है अच्छे से करिए, क्योंकि अभी देखिए टाइम है इसमें और ऐसा लग ही रहा है कि जो हमारा मेंस का जो एग्जामिनेशन है अक्टूबर में नहीं होगा, पोस्टपोन होकर आगे हो जाएगा। तो अगर आगे होता है तो अपनी आपको फिर मौका मिलेगा कि अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू करने का। तो मैं आपको एक एडवाइस करूंगी कि यहाँ पे मैथ्स का जो पेपर है, ओके, 200 मार्क्स का है, मैथमेटिक्स उसमें 120 मार्क्स का है। तो आपको क्या करना है, हर तरीके के अपने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए फ्रॉम एनी ऑफ द बुक। आपको जो भी बुक मिल रही है वहाँ से अपना सिलेबस का, जो आपका सिलेबस पूरा होते जा रहा है उस सिलेबस का आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, किसी भी बुक को आप खोल रहे हैं, एनसीईआरटी है या एनी ऑफ द बुक, ओके, जो भी आपको मिली है बुक मार्केट से, जो आपने बुक ले रखी है, आप एक टॉपिक पूरा अपना कीजिए, उसके बाद देन स्टार्ट योर क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन करना एक एक करके स्टार्ट कर दीजिए। हर तरीके के क्वेश्चन मत करिए, एक जैसे क्वेश्चन ना करते हुए अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करिए। आपने देखा होगा कि मैं आपको अगर 4-5 क्वेश्चन भी कराती हूँ तो वो 4-5 क्वेश्चन एकदम अलग होते हैं एक दूसरे से, नहीं तो एक जैसे हम कई क्वेश्चंस कर सकते हैं बट उसे करके कोई फायदा नहीं होता है। तो ये चीज़ आप करिए। और मैथमेटिक्स का देखिए पेपर टफ भी आ सकता है, यहाँ पे ऐसा मत सोचिए, और स्कोरिंग भी है 120 मार्क्स का। सही आप करके आओगे पूरे मार्क्स मिलेंगे, गलत आप करके आओगे आपको 0 मार्क्स यहाँ पे मिलेगा इसमें, ओके। तो आपको फोकस करना है अपने मैथ्स के पेपर में भी, ताकि आप यहाँ पे अच्छा स्कोर कर पाएं और पेपर का लेवल जो आप देखेंगे अच्छा खासा उसका लेवल आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे यूकेपीएससी के पेपर में। तो अपनी अच्छे से इसकी तैयारी करिए, ओके। जितना ज़्यादा आप मैथ्स में प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा क्या करते हैं आप उसे सीखते जाते हैं। तो देख लेते हैं आज का यही क्वेश्चन, हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है रेशियो। रेशियो हमें फाइंड करना है, तीन लोग हैं, ए है, बी है, सी है। फाइंड किन किन का रेशियो करना है, ए और सी का, ओके। तो बी का हमसे यहाँ पे कुछ नहीं पूछा गया है, हमसे जो चीज़ यहाँ पे पूछी गई है ए बी सी में, हमसे ए और सी का हमें रेशियो फाइंड करना है, ये हमें क्वेश्चन में निकालना है। बाकी जो भी चीजें हमें दे रखी हैं उसको हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते समय लिखते जाते हैं। तो देखिए अगर ये क्वेश्चन आपके इस तरीके के कोई क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे आपके 8 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में आपको ये देखने को मिलेंगे यूकेपीएससी में। तो अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, ए और बी किसी काम को मिलकर 20 दिन में पूरा करते हैं। लिख देते हैं इसे, ए और बी एक काम को
पूरा करते हैं कितने दिनों में? 20 दिन में। अब देखिए, ए और बी हमारा अगर एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो ए और बी का जो एक दिन का कार्य होगा, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, एक ए और बी का हम उसके बाद क्या करते हैं, एक दिन का कार्य निकालते हैं, तो वो वहां से कितना हो जाएगा हमारा, 1/20 हो जाएगा। वर्क ऑफ ए एंड बी ऑफ वन डे, ओके। एक दिन का कार्य हमारा कितना हो गया, 1/20 हो गया। इतनी चीज क्लियर हो गई। सेकंड हमसे ये कहा है क्वेश्चन में कि ए और बी यही काम 30 दिनों में करते हैं, सॉरी बी एंड सी, ए और बी नहीं, तो बी और सी का बी और सी इसी कार्य को करते हैं कितने दिनों में करते हैं, 30 डेज, 30 दिन में ये काम करते हैं, तो इसका मतलब बी और जो सी है का एक दिन का काम हमारा कितना हो गया, 1/30 हो गया, 1/30। इसी प्रकार मैं सीधे लिख दे रही हूँ, सी ए और सी है मिलके 40 दिनों में करते हैं वो काम, तो ए और सी का एक दिन का कार्य हमारा कितना हो गया स्टूडेंट्स, 1/40 हो गया। इतनी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब देखिए, हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा ये गया है कि ए और सी का हमें रेशियो फाइंड करना है। अब ए और सी का रेशियो हमारा कैसे निकलेगा, ए और सी का रेशियो हमारा तभी निकलेगा जब हम ए का काम निकालेंगे और बी का काम निकालेंगे। यहाँ पे हमें दो लोगों का पर्टिकुलर 7 का काम दिया है, ए और बी का, बी और सी का और सी और ए का। सबसे पहले तो हम इन तीनों का 7 का काम निकालेंगे, जॉइंट वर्क अगर ये तीनों एक साथ करेंगे तो वहां से हम इनका टोटल काम निकाल सकते हैं। फिर जब हमारा वो टोटल काम आ जाएगा, देन वी कैन फाइंड वेरी इजिली पर्टिकुलर ए का, बी का और सी का, हम तीनों का अलग अलग वहां से फाइंड कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं तीनों मिलकर कार्य करेंगे, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि तीनों का एक साथ मिलकर किया गया कार्य। तो यहां से कितना हो जाएगा, इसको अगर हम ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 2a + 2b + 2c इज इक्वल टू, इनको हम ऐड करेंगे, ओके, 1/20, 1/30 + 1/40। अब देखिए, यहां से अगर हम इसमें एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, एलसीएम हमारा 120 हो जाएगा। ये यहां से इसके 6 टाइम्स जाएगा, ये यहां से इसका 30 का 4 टाइम्स जाएगा, और 40 वाला जाएगा हमारा 3 टाइम्स। तो ये हो गया, ठीक हो गया, तो ये हो गया हमारा 13/120, ठीक है। तो ए और बी और सी का हमारा कार्य जो निकला, ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारा किसका निकला है, ये हमारा निकला है 2a + 2b + 2c, या आप इसे 2 को ब्रैकेट से बाहर लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी हमारा इधर करके हम सीधे उसे साइड भेज देते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी या ए कॉमा बी कॉमा सी का मिलकर किया गया एक दिन का कार्य। अब ये क्या है, इन तीनों का हमने एक दिन का कार्य निकाल लिया है। एक दिन का कार्य इसलिए है क्योंकि हमने 1/120 लिया है। तो यहां से कितना हो जाएगा, 13/120 था, इधर का हमारा 2 यहां से हमने कॉमन लिया उस साइड भेज दिया, तो यहां पे ये कितना हो गया, 13/240। इतनी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब देखिए, हमें पता लग गया है कि ए और बी और सी ये तीनों मिलके कोई काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 13/240 डेज में, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे यहां से क्या, अब हम निकाल लेते हैं यहां से ए को पूरा करने में लगे दिनों की संख्या क्या है। अब यहां से देखिए, हमें ए का फाइंड करना है, हमें बी और सी का हमें ज्वाइंट में दे रखा है, तो अगर हम यहां से बी और सी का काम रख देते हैं 7 का 30 डेज, तो हमारा इजीली क्या निकल जाएगा, ए की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। तो यहां से हम ए का कार्य निकालते हैं, ए का एक दिन का कार्य कैसे निकलेगा, जो हमारी ये टोटल वैल्यू है 30/240, इसमें से हम माइनस कर देंगे क्या, बी और सी की,
तो तीनों का मिलकर कार्य क्या है, 30/240 है। बी और सी का हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा अकेले जो ए काम करता है वो निकल जाएगा। तो बी और सी का हमारा काम कितना है, 1/30, ठीक हो गया। अब यहाँ से एलसीएम इसका 240 हो गया, यहाँ से ये 13 हो गया, और ये कितनी टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स, 13 माइनस में 8, तो ये हो जाएगा यहाँ से 5/240। दैट मीन्स हमारा ए का एक दिन का कार्य कितना आ गया, 5/240 आ गया। अब क्या करेंगे हम, अब निकालेंगे हम सी का, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, ए का काम और सी का काम, फिर इन दोनों का रेशियो। तो अब हम सी का निकाल लेते हैं। अब देखिए ए का हमने कैसे निकाला, ए का निकाला हमने, बी और सी की हमने वैल्यू रख दी। अब अगर हमें सी का काम निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू रख देंगे तो हमारा सी का काम निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए सी की वैल्यू हम सी का वर्ग निकालने के लिए हम ए पर ए और बी की वैल्यू रखते हैं, और ए और बी की वैल्यू कितनी है, 1/20 है। तो हम जो टोटल हमारा वर्क है 13/240, उसमें से अगर माइनस कर देंगे कितना, 1/ हमारा 20, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी ऑफ वन डे। तो सी का हम निकालते हैं, मैं इसे डायरेक्ट लिख रही हूँ, आपको इसे करके वहां पे पूरा शो करना है। तो सी का एक दिन का कार्य हमारा कितना हो जाएगा इसमें, 13/240 एंड माइनस में किसकी वैल्यू, ए और बी की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू माइनस में 1/20। फिर से ऐसे हमारा कितना हो गया, 240 हो गया, यहां से ये 13 हो गया, माइनस में ये कितना हो गया, ये इससे जाएगा 12 टाइम्स, तो यहां पे हमारा कितना हो गया, 1/240। ए का कार्य, ए का कार्य कितना हो गया, 240/5 हो गया दिन, और हमारा यहां से सी का कार्य कितना हो गया, सी का कार्य हो गया हमारा कितना, ये तो एक दिन का कार्य था, तो सी का कार्य हो गया हमारा 240 डेज या 240 दिन। अब हमसे क्या पूछा गया था, अब हमसे पूछा गया था कि ए और सी का कार्य, तो ए और सी के कार्यों का अनुपात हमें क्या करना था, फाइंड करना था। तो हम यहां से क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे, ए का हमारा कार्य कितना आ गया है, 240/5 आ गया, डिवाइड हमने कर दिया किससे, 240 से, तो ये हमारा कितना हो गया, 1/5। तो इनका क्या हो गया, ए और सी का जो अनुपात हो गया कार्यों का, वो कितना हो गया, 1:5, और ये हो गया हमारा आंसर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कि किस तरीके से करना था हमें। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, थोड़ा सा ट्रिकी था, बट उतना ज़्यादा टफ नहीं था, तो इस तरीके से हमने करके देखा। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, पी क्यू आर तीन टंकक है जिन्हें 368 पृष्ठ टाइप करने हैं। पी 8 मिनट में एक पृष्ठ, क्यू 18 मिनट में एक पृष्ठ, और आर जो है 24 मिनट में एक पृष्ठ टाइप करता है। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि तीनों मिलकर कितने समय में इन पृष्ठों को टाइप करेंगे। मतलब हमारे पास यहाँ पे पी क्यू आर क्या है, तीन टंकक है, इनको क्या करने हैं, अपने पेजेस टाइप करने हैं। P कितने टाइम में टाइप करता है, Q कितने टाइम में करता है, R कितने टाइम पे करता है, ये तीनों हमें दे रखे हैं, और हमें साथ में क्या फाइंड करना है कि तीनों एक साथ कितने टाइम में इसे कर पाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए P किसी पृष्ठ को टाइप करता है 8 मिनट में, तो P का एक दिन का पृष्ठ टाइप करने का जो समय है वो कितना हो जाएगा एक दिन का, 1/8 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें Q दे रखा है कि Q करता है किसी पृष्ठ को टाइप 18 मिनट में। हम लिख सकते हैं फिर यहां से Q का एक दिन का पृष्ठ टाइप करने का समय कितना हो गया, 1/18
हो गया। इसी प्रकार से हमारा आर है, और आर कितने मिनट में करता है, 24 मिनट में। तो आर किसी प्रश्न को टाइप करता है। इतनी सारी जो लैंग्वेज लिख रही हूँ मैं, मुझे इसे लिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ये बस मैं इसीलिए लिख रही हूँ ताकि आपको भी इसे समझते हुए चले कि आपको आपका मेंस का पेपर इसी तरीके से पूरी लेंथी लैंग्वेज में इसे मेंस में हल करना है। ओके, क्यों नहीं तो इससे पहले हम जितने भी क्वेश्चंस करते हैं, जैसे हमें आते हैं, वो हम अगर विद द हेल्प ऑफ ट्रिक करते हैं तो बहुत ही इजीली कर लेते हैं और हमें अच्छा भी लगता है। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक्सप्लेनेशन करना है और पूरा ही एक्सप्लेनेशन करते हुए जाना है, कुछ भी चीज़ें स्किप नहीं करनी है। तो आर किसी प्रश्न को टाइप करता है, दे रखा है हमारा 24 मिनट में, और यहाँ पे हमारा आर जो है का एक दिन का प्रश्न टाइप करने का समय कितना हो जाएगा स्वयं, 1/24। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है तीनों मिलकर कितने समय में कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन तीनों का निकाल लेते हैं, तीनों मिलकर प्रश्न टाइप करते हैं तो ये हो जाएगा 2p प्लस, हम इनको क्या करेंगे, सॉरी हम इसे ऐड करेंगे, p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू हमारा ये हो जाएगा हमारा 1/8 प्लस हो जाएगा हमारा 1/18 और यहाँ से हमारा प्लस हो जाएगा कितना, 1/24। इतना हो गया हमारा। अब देखिए एलसीएम ले लेते हैं हम इसका, एलसीएम इसका हमारा यहाँ से हो जाएगा कितना, 72 हो गया इसका एलसीएम। अब देखिए 8 से 72 गया 9 टाइम्स, 18 से 72 हमारा गया कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, और 24 से हमारा 72 चला गया कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो यहाँ से ये कितना हो गया, 9 × 4 = 13, सिक्सटीन अपॉन में सेवेंटी टू। इसे 8 से काट देते हैं तो ये कितना आ गया, 2/9 आ गया। दैट मीन्स हमारा पी क्यू आर किसी काम को मिलकर कितने दिनों में करते हैं, एक दिन में जो करते हैं वो 2/9 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी क्यू आर किसी कार्य को मिलकर करते हैं किसी कार्य को करते हैं, ये आप नहीं लिखोगे, आप लिखोगे जो आपका क्वेश्चन में कहा गया है, पी क्यू आर मिलकर प्रश्न टाइप करते हैं इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 9/2, ये कितना हो गया हमारा, मिनट हो गया। अब देखिए हमसे तीनों का ये पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है कि तीनों मिलकर कितने टाइम में करते हैं। अब एक चीज़ हमें क्वेश्चन में और दी गई है, अगर यहाँ पे 368 नहीं लिखा होता देन हमारा आंसर क्या होता, 9/2 होता। बट हमें क्वेश्चन में ये भी दिया गया है कि पी क्यू आर तीन टंकें हैं, उनको टाइप कितने पेजेस करने हैं, टाइप उन्हें 368 करने हैं। तो इन ये पी क्यू आर के मिलकर टाइप करने वाला इनके क्या है, मिनट्स हैं। अब देखिए अब इनको अगर 368 पेज टाइप करने हैं तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा एक दिन का निकल गया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पी क्यू आर को मिलकर 368 प्रश्नों को टाइप करने में लगा अभीष्ट समय, ये हमारा कितना हो जाएगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे 368 की किससे, क्योंकि उन्हें एक पेज टाइप नहीं करना है, उन्हें तो करना है पेजेस टाइप कितने, 368। तो हम इसे डिवाइड कर देंगे 9/2 से, ये हो गया। इसको काट लेते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
ये कितना हो गया, इतना हमारा यहाँ से मिनट आ गया 1656 मिनट। ये इसका आंसर हो गया। आप चाहे तो इसे आप आवर्स में चेंज कर सकते हैं, बट नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि ऐसा कुछ लिखा नहीं है क्वेश्चन में, हमें मिनट्स में ही दिया था तो हमने मिनट में ही अपना आंसर निकाल दिया। तो ये इसका सॉल्यूशन था। आपको समझ में आ गया होगा, पी का हमने एक दिन का निकाला, क्यू का एक दिन का निकाला, आर का हमने एक दिन का निकाला, तीनों को हमने, तीनों का साथ का निकाल लिया तो 2/9 आ गया। तो तीनों ने जो मिलकर काम किया एक किसी पर्सन को टाइप करने, वो 9/2 मिनट्स आ गया। हमें यहाँ पे 368 पेज इन सब इन तीनों को टाइप करने थे, पी क्यू और आर को, इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया लास्ट में किससे, 368 से। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्स एक काम को 40 दिन में कर सकता है, वह 8 दिन तक कार्य करता है। एक्स कोई काम कर रहा है 40 दिन तक, फिर वो 8 दिन तक कार्य कर सकता है, और फिर वाई आ जाता है और कार्य 16 दिन में समाप्त कर देता है। यदि दोनों एक साथ काम शुरू करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, क्वेश्चन में ये कहा है कि एक्स कोई काम को करता है 40 दिन में। कितने दिनों तक वो काम करता है, 8 दिन तक करता है, फिर उसके बाद क्या आता है, वाई आ जाता है, एक दूसरा व्यक्ति वाई आ जाता है, और जो बचा हुआ काम होता है, जितना भी शेष कार्य बचा होता है, उसे 16 दिन में समाप्त वो लोग समाप्त वाई कर देता है। तो अब हमसे ये कहा गया है कि यदि दोनों एक साथ काम शुरू करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। दैट मीन्स लास्ट में हमें फाइंड किसका करना है, एक्स और वाई का हमें साथ में निकालना है। तो देख लेते हैं, जो जो चीज़ें हमें क्वेश्चन में दी गई है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो एक्स एक काम को करता है प्रश्न के अनुसार, प्रश्न अनुसार या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ऐसे करके आप स्टार्ट करेंगे। एक्स एक काम को करता है, चालीस दिन में। तो एक्स का एक दिन का कार्य कितना हो जाता है, 1/40 इतना हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या कह रखा है कि एक्स जो है वो काम कितने दिन तक करता है, 8 दिन तक करता है। तो एक्स का हम लिखेंगे 8 दिन का कार्य। अगर एक्स का एक दिन का कार्य 1/80 है, तो एक्स का 8 डेज वर्क जो वर्क होगा वो कितना हो जाएगा, 8/40 हो गया। सिंपल 8/40, या इसको आप 1/5 भी कर सकते हैं। अब देखिए आगे हमें क्या कहा गया है, आगे हमें ये कहा गया है फिर उसके बाद क्या हो रहा है, वाई आ रहा है, इसको हम 1/5 भी लेते हैं। फिर वाई आ रहा है और बचा हुआ काम वाई कर देता है। तो वाई का कार्य निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे, वाई का कार्य इज इक्वल टू शेष कार्य 16 दिन में समाप्त कर रहा है, शेष कार्य। अब देखिए हमारा यहां से अगर एक्स का काम कितना हो गया है, 1/5 उसने कर दिया है, तो जो उसका बचा हुआ काम है, दैट मीन्स 1 - 1/5, यही तो हमारा बचा हुआ काम हुआ। 1 - हम 1/5 कर देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। अब 4/5 हो गया, और ये कितने दिनों में समाप्त कर रहा है, वाई 16 दिन में समाप्त कर रहा है। तो वाई का 16 दिन का कार्य कितना हो जाएगा हमारा, 4/5 इंटू में कितना, 16। तो यहां से हमारा ये चला गया 4 times, और यहां से ये हो गया कितना, 1/20। तो आपको समझ में आ रही होगी इतनी चीज कि जो y का 16 दिन का कार्य हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1/20 हमारा हो रहा है। दैट मीन्स हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि x का हमारा जो काम था एक दिन में कितने कर रहा है, अगर हम इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लें कि 1/40 डेज में हो रहा है, और y का हमारा 16 दिन का कार्य जो है 1/20 में हो रहा है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है x और y का मिलकर काम। तो हम क्या करेंगे, x और y मिलकर कार्य
करेंगे, क्या करेंगे हम दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1/40 प्लस यहाँ से ये हो जाएगा 1/20 इज इक्वल टू हमारा एलसीएम 40 हो गया। तो यहाँ से 1 अब हो गया, यहाँ से प्लस 2 हो गया, इज इक्वल टू हो गया 3/40। अब हमारा ये जो एक्स और वाई है मिलकर एक दिन का कार्य हमारा क्या है इनका, ये हमारा क्या है एक दिन का कार्य 3/40। दैट मीन्स एक्स और वाई जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, एक्स और वाई दोनों साथ कार्य करते हैं, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट इसका 40/3 डेज, और ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे फ्रॉम द टाइम एंड वर्क जो आज हमने डिस्कस किया। एक क्वेश्चन मैं आपको एज ए होमवर्क दे रही हूँ, इस क्वेश्चन को आपको करना है, देखना है कि आपको ये क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड में मेंशन कर रखा है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको आप करिए। 3 क्वेश्चन आपको आज करा दिए गए हैं, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे डिस्कस मैंने किया है, आप इसे नोट करिए। देखिए क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ। पी और आर किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, पी और क्यू किसी कार्य को 45 दिन में कर सकते हैं, जबकि क्यू और आर किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं, तब केवल आर का इस कार्य को अकेले करने में कितना समय लगेगा। आपको आर का कार्य फाइंड करना है, पी क्यू का दिया है, पी आर का दिया है, क्यू आर का दिया है। अब किस तरीके से करना है आपको पता लग गया होगा। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को करना है और इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट में बताना है। बाकी साथ ही मैं ये क्वेश्चन आपका टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगी, वहाँ पे आप इसका सॉल्यूशन जो है पूरा शेयर करें और देखिए आप लोग आपस से कितने लोग इसका जो राइट आंसर है राइट आंसर की तरफ को बढ़ पाते हैं। तो अगर आपको इसमें क्वेश्चन में डाउट होता है, क्वेश्चन आपको नहीं आता है, तो आप बता सकते हैं। इसको मैं आने वाले एक जब नए लेक्चर में हम कोई टॉपिक डिस्कस करेंगे उससे बिफोर हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेंगे। फिलहाल के लिए आज आप इस क्वेश्चन को बैठ के करिए और प्रैक्टिस करिए, कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा आप मैथ्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाए। हर तरीके के क्वेश्चन को सीखने का अपना एक प्रयास करिए। तो मिलेंगे फिर से एक नए लेक्चर में स्टूडेंट, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मन लगा के तैयारी करिए अच्छे से ताकि हो इस बार आपका सिलेक्शन। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू।